यहाँ पे ड्राइविंग करना बहुत ही खतरनाक होता है। अभी आप देख सकते हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये कार पलट गई है। कैसे लगा आपके हाउसबोट? देखो, हाउस बोट बहुत अच्छी लोकेशन पे है और आपका ये हाउस बोट भी बहुत बढ़िया है। सारी फैसिलिटी वगैरह है यहाँ पे। बस रात में इतनी बारिश हुई ऐसा लग रहा था हम लोग बिल्कुल हवा में झूल रहे हैं। एकदम सुबह का डल लेक का ये खूबसूरत सा नजारा। और यहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग गुलमर्ग में। मतलब इससे ब्यूटीफुल मतलब मॉर्निंग लाइफ मैंने अभी तक नहीं देखी थी। कॉक्सकॉम है, कैसमस है, लेकिन हमारे यहाँ लगेंगे ही नहीं। ये तो देखो कैसा लगता है। उधर तो 12 महीने चलता फ्लावर, यहाँ तो 6 ही महीने लगता है। अच्छा, 37.50 किलोमीटर है। अब यहाँ से हो रही है हमारी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट। और ये विल्लो के पेड़ हैं जो हम बता रहे थे, इसी से बैट बनते हैं। हिलव्यू ढाबा है, यहाँ पे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए। कहवा तैयार होके भाई, वेलकम टू टंगमर्ग गुलमर्ग। एक्चुअली बात है सर, सर आपकी गाड़ी है सर, फर्स्ट योर व्हीकल इज गोइंग टू हाफ एन किलोमीटर सर, हाफ किलोमीटर जाके आपकी गाड़ी पार्किंग में रहेगा सर। फर्स्ट यहाँ से आपको सुनो दी इशू जो जाके मिलेगा बर्फ के। तो अभी लॉन्ग कोट तो हमने ले लिया है, ये बारिश से भी हम लोगों को बचा लेगा। और यहाँ पे ये वाली शॉप है और यहाँ पे आप लोगों को जैकेट्स और शूज मिल जाएंगे, क्योंकि अभी ऊपर बारिश हो रही है और स्नो भी हम लोगों को मिलने वाला है। प्रिया ने अभी हम लोगों को चार्जेस इसके 200 बताए, 200 इसके बताए। यहाँ टनमर्ग से गुलमर्ग का हमारा सफर शुरू हो रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बहुत बढ़िया। यहाँ पे पार्किंग एरिया, यहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हो। और फिर अब हम निकलेंगे यहाँ से गंडोला राइड के लिए। कितने हैं यहाँ गाड़ियाँ बर्फ लेके जा रही हैं अपने घरों तक, और केबल कार भी बंद है। तो अभी हम लोग गुलमर्ग की साइट सीन करने जा रहे हैं। 2500 रुपए देंगे इन गाड़ी वाले भैया को। मौसम खराब होने के कारण अभी बंद है। तो ये भाई साहब हमें मिले हैं, ये घुमाने वाले हैं हमें गुलमर्ग। यहाँ पे अभी गंडोला राइड बंद होने के कारण यहीं पे रुके हुए हैं सारे दर्शक लोग। हाई अल्टीट्यूड वॉलफेयर स्कूल, पहले पॉइंट में ले चलते हैं आपको। अनिल कुमार की पिक्चर जहाँ पे पुकार मूवी की शूटिंग हुई थी। और यहाँ से जा रहे हैं हम लोग पैदल घूमने के लिए। अभी नहीं, चिल्ड्रन पार्क में अभी जा कहाँ रहे हैं? लेक में जाना है। अच्छा, लेक में। और यहाँ पे एक वो झील है जो पूरी जम जाती है, वो भी दिखाएंगे सर हम। अच्छा, ये चिल्ड्रन पार्क के बीच में ये लेक बनी हुई है और ये मस्त सा ब्रिज। ये है यहाँ की झील और ये यहाँ से ये पानी आ रहा है चिल्ड्रन पार्क में। और ये देखिए, ये पूरी झील से ये पानी भरा हुआ है। चिल्ड्रन पार्क आने के बाद तो सच में ऐसा लग रहा है कि कहाँ ही हम लोग पहुँच गए हैं। अभी जो स्नो के बीच में हम लोगों ने जो यहाँ पे एंजॉय किया, बहुत ही शानदार और धमाकेदार यहाँ का सीन बना अभी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आया। तो जब तक कंडोला पास हमारा ओपन नहीं हो जाता है, तब तक एटलीस्ट हम लोग इस तरीके के 4-5 पॉइंट घूम लेते हैं। फ्रेश स्नो यहाँ पे ये जो पड़ी हुई है, मतलब आप ये मान के चलिए ये इतनी ज़्यादा फ्रेश है कि मैं इसको खा भी सकता हूँ, क्योंकि फ्रिज वाली बर्फ से भी ज़्यादा टेस्टी। ये हिम क्रीम का गोला बना हुआ है। किसी को सजा देनी हो तो अभी बोल दे कि पानी में आके नहा ले। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। पुकार मूवी की शूटिंग इसी घर में हुई थी जहां पर सारे आतंकवादी आके ठहर जाते हैं। कहां से आए हैं आप लोग? यूपी। कैसा लगा यहां पहुंच के? बहुत बढ़िया। बाय बाय। अच्छा, खिलनमर्ग। ओके, अच्छा यहां पे मिलेगा आपको स्कीइंग के लिए ऑप्शन। में देख सकते हैं भाई साहब, जनता बिल्कुल पलट गई है स्कीइंग करने के लिए। अंकल जी गिर गए स्कीइंग करते हुए। हाँ, कहाँ चले गए स्कीइंग वाले भैया? हाँ, क्या
क्या रेट ले रहे हो, क्या चार्ज है? दो किस्म का चार्ज बताओ, टीचर विद टीचर। अगर खुद करेगा स्किन हम आपको एक ही मिनट देंगे। शूज स्टिक स्किन कितने मिनट देंगे? 1500 रुपये सर। अगर आप हमारा मास्टर हेयर करोगे जो आपको सिखाएगा, मास्टर लेकर आपको पड़ेगा 250 रुपये। मास्टर जी के साथ भैया ज्यादा रेट लगेगा। गधा गाड़ी वाला ना, वो खींचना पड़ता है ना गधे से, तो कितना उसका कितना चार्ज है? अच्छा 1200-1200 रुपये। बहुत बढ़िया स्कीइंग, और ऐसे हिमपात में जिंदगी के नजारे हैं। शायद असली जन्नत में मैं पहुंच ही गया हूँ, और बहुत ही शानदार रहा मेरा स्कीइंग का नज़ारा। गिरे, उठे, चले, दौड़े, भागे और बहुत कुछ पाया। अब चलते हैं। ये फेस्टिवल एरिया, यहाँ पे बुमरो बुमरो मूवी जो कि ऋतिक रोशन की आई थी, प्रीति जिंटा थी ना शायद उसमें, हाँ उसका शूटिंग हुआ है। ये वाला फेस्टिवल एरिया है, एशिया के सबसे बड़े गोल्फ कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे अभी कुछ लोग घूम फिर रहे हैं, अंदर आवाजें तो आ रही है। उन लोग गए कहाँ से? देवदार के पेड़ देख सकते हैं, पूरे बर्फ से ढक गए हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है ये, सच में इससे खूबसूरत नज़ारा और क्या ही हो सकता है। राजा पैलेस, जम्मू श्रीनगर के जो राजा थे उनके पैलेस में अभी हम एंट्री कर रहे हैं। गाड़ियाँ सावधानी से निकाली जा रही हैं, बर्फ में टायर फिसल जाते हैं। ये महाराजा के पैलेस में जाने के लिए एंट्री पॉइंट है यहाँ से, और कंडोला राइड लग रहा है अभी तक चालू नहीं हुई, तो सारे सैलानी यहीं पहुंच गए हैं अभी घूमते फिरते हुए। राजा के पैलेस के लिए यहां से एंट्री, और ये लगे हुए हैं ग्रेस कीमती जी। फाइनली हम लोग महाराजा पैलेस में आ गए हैं, और यहां पर महाराजा वाली फीलिंग आने लगी है थोड़ी थोड़ी। ऊपर की जो ग्रेस कीमती जो कारीगरी हम बता रहे थे वो यहां पे देखने को मिल रही है। इतनी छोटी छोटी लकड़ी की यहां पे कारीगरी की, और और अभी अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये पुरानी वो है अंगीठी, इसको जला के बढ़िया कमरा गर्म रखा जाता था, ये पहले के जमाने में इसी तरीके का प्रयोग किया जाता। और ये है मीटिंग रूम, अभी वाला मीटिंग रूम, आज की डेट में कॉर्पोरेट मीटिंग जिसको बोलेंगे, मीटिंग रूम है ये, वाकई में काबिले तारीफ है। और ये है उनका ऑफिस रूम, हर रूम में यहाँ पे अंगीठी देखने को मिलेगी। यहाँ पर कमरे को इस तरीके से गर्म रखा जाता था, और ये बहुत पुरानी घड़ी लग रही है मुझे, और क्वार्ट्ज की। ये है उनका शयन कक्ष में भी लगी हुई है ये गर्म करने के लिए अंगीठी, बहुत ही शानदार शयन कक्ष लकड़ी का बना हुआ है। पूरा का पूरा महल ही लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन यहाँ फीलिंग जो आ रही है बिल्कुल राजा महाराजा वाली आ रही है मुझे। और ये है इनका ये डाइनिंग हॉल, डाइनिंग टेबल लगा हुआ है साथ में, यहाँ पे खाना खाओ और यहाँ पे बैठ के बाहर स्नो के मजे लो। कितना शानदार यहाँ का व्यू बन रहा है, देखिए स्नोफॉल हो रहा है बहुत जोरदार तरीके से, हिमपात, हिम क्रीम खाओ यहीं पे आके। और यहाँ के स्नो को मैं यहीं से आके भी देखता हूँ। ओहो ये है यहाँ का फ्रेश स्नो एकदम, जो कि ये सिर के ऊपर टोपी लगाने के लिए, ये हस्तभुजाएं ताकि हाथों में तलवार का प्रहार ना हो, और ये ढेर सारे जो कड़छी, कृपाण, कटार, और ये है बिल्कुल धारदार तलवार, और ये गोपची बोलते थे इसको। यहाँ पे सारे अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, और काफी पुरानी बेसकीमती अनोखी चीजें देखने को मिलेंगी। ये है पिस्टल्स, पहले होता था ना तलगर, इसको तलगर कहते थे, बस ये है तलगर। और यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है पत्थर की कलाकारी, ये है भाई सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ्रेंस रूम, यहाँ पे आओ बढ़िया अपना मंत्रणा करने के लिए, और काफ़ी अच्छा बनाया है ये इसको।
चाहता था काफ़ी समय से, इससे बेहतरीन मौसम, इससे बेहतरीन जगह और इससे अच्छा स्वर मैंने शायद बातचीत तो मैं कभी नहीं देखा लाइफ में। तो पूरे बर्फ़ से ही ढक जाऊंगा मैं, मुझे लग रहा है कुछ समय बाद। हाँ हाँ हाँ, ये 0 डिग्री से भी नीचे का भी टेम्परेचर चला गया है। कितना खूबसूरत दृश्य है ये, ऐसा लग रहा है मानो मैं हवा में उड़ रहा हूँ अभी। ओहो, मेरे को ऐसा लग रहा है आइसक्रीम आ गई है मुंह में अभी। दोस्तों, इसको कहते हैं जिंदगी, अपने कीमती समय जो कि आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना चाह रहे हो लाइफ में, लेकिन यदि ऐसी जिंदगी नहीं जी आपने, इतने ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ यार, और ये राजा का महल, और ये गिरता हुआ हिमपात सच में मुझे पागल कर देगा, और मैं ऐसा लग रहा है कि किसी स्वर्ग में उड़ रहा हूँ, अंतरिक्ष के किसी कोने में मैं पहुँच गया हूँ। वास्तविकता में टेस्टी आ रही है वैसे, पर तो मजा आ गया। प्रेफर करूंगा कि ये जो स्पेशल ड्राइवर्स हैं उन्हीं के साथ आए, अदरवाइज बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही ये कार यहाँ पे पलटी है, और इतने हैवी स्नोफॉल में यदि कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। जो एक्सपर्ट ड्राइवर हैं उन्हीं को प्रेफर करें आने के लिए। जस्ट वहाँ से स्किड हुई है कार, और स्किड होते 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 ये यहाँ पे आके बहुत बुरी तरीके से, देख सकते हैं कितना ज़्यादा भी यहाँ का वेदर खराब हो चुका है, बहुत ही हैवी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। और इस व्यू पॉइंट को इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर बोला गया है क्योंकि यहाँ पे आप जो हम लोगों ने शूज़ और ये जैकेट लिए थे, वो कौन सा पॉइंट है, टनमर्ग तक की लोकेशन आपको यहाँ से दिखाई देगी। लेकिन अभी इतना ज़्यादा यहाँ स्मोकी सा हो गया है, धुंध क्या पड़ रही है, एक्चुअली यहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, हिमपात हो रहा है, जिसके कारण हम लोगों को अभी वहाँ का नज़ारा नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये मौसम को एंजॉय करने का जो मज़ा है वो अपने आप में बहुत ही अनोखा है, और रियल लाइफ एडवेंचर है जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। सही में झक्कास वाली फीलिंग आ गई है यहाँ पे, तो भूख इतनी ज़्यादा लग गई है कि चला नहीं जा रहा है, तो सोच रहे हैं यहाँ की जो मार्केट है यहाँ पे कुछ कहवा पी लिया जाए, और साथ में कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लेते हैं ताकि एनर्जी आ जाए घूमने फिरने के लिए फिर से। और गंडोला राइड तो आज बंद है, लेकिन वहाँ तक हम आपको पहुँचाएंगे, दिखाएंगे किस तरीके से दिखता है, और यहाँ से बाय वॉक ही जाने वाले हम लोग, ताकि छोटा मोटा ट्रैकिंग भी हो जाएगा। तो ये मामा पंजाबी रसोई में हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ पे खाएंगे। तो आ गया तैयार हो गया एकदम गर्मा गर्म काजू डला हुआ, साथ में इसके कचुम्बर, और मंगाया हमने कहवा खाने के लिए। बहुत तेजी भूख लग रही है अभी से, थोड़े स्वाद चखा जाए। बहुत बढ़िया थे गुलमर्ग में आके ये सारे पॉइंट्स को एंजॉय करें जितना ज़्यादा हो सकता है। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और इसी तरीके के कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।